प्रिय दर्शकों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देते हैं ज्योतिष की, और ज्योतिष के इसी विषय में आपको बहुत गहराइयों के साथ जानकारी दे रहे हैं। मंगलिक दोष, मंगल के प्रभाव के कारण बहुत ज्यादा बह रहता है, और यह सत्य भी है। मंगल एक अंगारक प्लैनेट है, आग उगलने वाला प्लैनेट है, एक्सीडेंटल प्लैनेट है, ये क्रोधी प्लैनेट है। अगर ये सही से कहीं काम नहीं कर पा रहा है तो कुंडली के अंदर इसके नेगेटिव प्रभाव होते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, आप लड़की हैं चाहे लड़का है, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल के आपको 20 प्रभाव मिलेंगे। उन 20 प्रभावों में आपके लिए कहां कहां नुकसानदायक है वो आप ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपका मंगल इतना हानिकारक आपके ऊपर ना हो सकता है आपका मंगल आपके भाई के ऊपर हानिकारक और भाई आपका ना हो सकता है आपका मंगल कहीं मां के ऊपर भारी हो और मां आपकी ना हो सकता है आपका मंगल बड़े भाई पिता ऊपर भारी हो तो साथ में आपके मां बाप नहीं भी हो सकते। कर्क लग्न के अंदर मंगल इधर का स्वामी है और इधर का स्वामी है, इधर का और इधर का स्वामी होने के कारण ये कर्म भाव है और ये एजुकेशन है। इधर लाइट टूट तो नहीं आ गई कोई? दो भावों का स्वामी है, यहां का स्वामी है और इधर का स्वामी है। बहुत अच्छा है कर्क लग्न में, ये बहुत अच्छा योग कारक हो जाता है, यानी एजुकेशन भी देगा और साथ में जॉब भी आपको देगा। इन दो स्थानों का स्वामी होने के कारण अब अच्छा ही फल करना चाहिए इसको। अब लग्न में मंगल बैठा है तो नीच हो गया, एजुकेशन में भी बाधा और कैरियर में भी बाधा। यह मंगल आपके लिए हानिकारक है, लेकिन इसकी उच्च दृष्टि पत्नी के घर में है। अगर आप ऐसे मंगलिक हैं तो आपकी पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मंगलिक हैं और आपकी पत्नी का कैरियर आपसे अच्छा रहेगा इस मंगल दोष के कारण। इसकी दृष्टि मां के घर में है लेकिन सस्तुर दृष्टि है। अब सस्तुर दृष्टि होने के कारण मां के लिए, मृत्यु के लिए, बीमारी के लिए ऐसे कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन मां अगर आपकी जॉब करती है, कैरियर है उसका, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव आएगा नेगेटिव, क्यों? कैरियर के डिपार्टमेंट और एजुकेशन के डिपार्टमेंट इसके पास है। इसकी सप्तम दृष्टि यहां से पत्नी के घर में बहुत अच्छा है। अष्टम दृष्टि इसकी जो आएगी वो आएगी मृत्यु स्थान पर। यह मंगल आपके लिए कैरियर और एजुकेशन के लिए हानिकारक रहेगा। कैरियर का स्वामी मृत्यु स्थान में है, इधर का मृत्यु स्थान में है, यहां से दृष्टि इसके बड़े भाई के घर पर है, बड़े भाई के लिए नुकसानदायक। यहां से दृष्टि धन के ऊपर है, धन के लिए नुकसानदायक। यहां से दृष्टि छोटे भाई के ऊपर है। इसका मतलब ओवरऑल अगर इस कुंडली को देखते हैं, कर्क लग्न में मंगल अपनी दृष्टियों का इफेक्ट सिर्फ छोटे भाई के ऊपर और मां के ऊपर और बड़े भाई, यानी बड़े भाई के ऊपर दृष्टि आती है अष्टम मंगल से यहां से, तो इसका मतलब इन स्थानों पर इसका प्रभाव नेगेटिव रहेगा। अब आपका मंगल इधर बैठा हुआ है, चौथे भाव में है किसी की कर्क लग्न की कुंडली में, यहां से इसकी चौथी दृष्टि पत्नी के घर में, पत्नी के लिए अच्छा है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, चौथे भाव के लिए यह नुकसानदायक है, और यहां से सप्तम दृष्टि कैरियर के ऊपर है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, और अष्टम दृष्टि यहां से यह आती है बड़े भाई, बड़े भाई के लिए नुकसानदायक है। इसका मतलब बड़े भाई के ऊपर इसका थोड़ा प्रभाव रहेगा और पत्नी के ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव कर्क लग्न में नहीं आता। अब ये यहां बैठा हुआ है सप्तम भाव में, कर्क लग्न में सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल काहल नाम का एक राजयोग बनाता है और दूसरा रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है। इसका मतलब आपका भी कैरियर टॉप में रहेगा और पत्नी का भी कैरियर टॉप में रहेगा और संतान का कैरियर भी टॉप में रहेगा, तीनों कैरियर टॉप में रहेंगे। लेकिन इसकी दृष्टियां तो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी। इसकी दृष्टि आती है अपने घर पर, अपने घर को नुकसान नहीं करेगा। इसकी दृष्टि आती है यह नीच, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है आपके लिए। कर्क लग्न में सप्तम में बैठा हुआ मंगल आपका कैरियर, आपकी पत्नी के कैरियर, बच्चों के कैरियर टॉप में रहेगा लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक रहेगा। और अष्टम दृष्टि यहां पर आती है परिवार के ऊपर, धन भाव के ऊपर, आंखों के ऊपर, तो आंखों की रोशनी को कमजोर कर सकता है। अब आपका मंगल मृत्यु स्थान में पड़ा हुआ है, आप अष्टम मंगलिक हैं, अष्टम मंगलिक में संतान हानि, ध्यान से सुनिए, कर्क लग्न में अष्टम मंगल बच्चों के लिए नुकसानदायक है,
बच्चे को एक को मारता है, या तो आपका संतान बड़ी होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, या गर्भ नष्ट हो जाएगा, या बच्चे होकर के मृत्यु को प्राप्त होंगे। कर्क लग्न में मंगल का सबसे ज्यादा इफेक्ट अष्टम में आ रहा है, और साथ में ये सास का भी स्वामी मृत्यु स्थान बैठा हुआ है। इसका मतलब बच्चे की मृत्यु और सास की मृत्यु के योग यहां पर बनेंगे। अब इसकी दृष्टि यहां से बड़े भाई के ऊपर आती है, बड़े भाई के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा, परिवार के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा, छोटे भाई के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। कर्क लग्न में जिसका अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, उस व्यक्ति को बड़े भाई से अलगाव होना पड़ेगा, छोटे भाई से अलगाव होना पड़ेगा, परिवार से अलग रहने की स्थिति यहां पर बन जाएगी। अब आपका मंगल मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है बारहवें भाव में, बारहवें भाव रोग चोट खर्चा नुकसान पत्नी सुख पति सुख को नुकसान करता है। इसका मतलब यहां पर पुलिस केस मुकदमा भी होगा, आप तनाव में रहेंगे, शादी के बाद आपका करियर तबाह हो जाएगा, शादी के बाद आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। इसकी दृष्टि यहां से छोटे भाई के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसकी सप्तम दृष्टि यहां पर मामा मौसी के लिए है, पत्नी के लिए नुकसानदायक नहीं। इसका मतलब कर्क लग्न में सबसे ज्यादा मंगल रहता है बच्चों के लिए भारी, अष्टम होने के कारण, बारहवें भाव में रहने के कारण छोटे भाई के ऊपर रहेगा, और चौथे मंगल रहने के कारण आपको कहीं ना कहीं बड़े भाई के लिए नुकसानदायक रहेगा। दर्शकों, बहुत गहरा विज्ञान है, आप भी कहीं ना कहीं मंगलिक दोष से पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में भी किसी न किसी भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो आपको कुंडली तुरंत दिखानी चाहिए। हो सकता है कि कुंडली मिलान में आप गलती कर रहे हैं, आप खुद ही कंप्यूटर पर लेकर के बैठ जाते हैं, कुंडली चेक करते रहते हैं, और इसके कारण आपकी शादियां दो दो चार चार पांच पांच साल डिले हो जाती हैं। इसलिए देर मत करिए, तुरंत अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडलियां हमसे मिलवा सकते हैं। अगर आपका मंगलिक दोष है, बुरा योग है, तो उसकी पूजा पाठ के लिए भी, शांति के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, डॉक्टर एचएस रावत जी द्वारा वर्णित चिकित्सा ज्योतिष की 5 डीवीडी 1100 रुपए, व्यवसाय ज्योतिष की 15 डीवीडी 3100 रुपए, हस्तरेखा की 7 डीवीडी 1500 रुपए व कुंडली मिलान की 10 डीवीडी 2100 रुपए में ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एचएस रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी डीडी मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 0378050030021 या SBI अकाउंट नंबर 3034024646466 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 0112563857, मोबाइल नंबर 9212860090 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 0222670793, मोबाइल नंबर 9820114249। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090 9811006314, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.com